अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज की वीडियो फेसबुक नेम के बारे में, अगर आपका फेसबुक नेम 60 डे के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 60 दिन से पहले आप अपना दूसरा नेम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप फेसबुक अकाउंट का नाम 60 दिन के अंदर या डेली चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइस यहां से आपको बैक जाना है और यहां पे आपको अपने अकाउंट का नाम आप दिखा सकते हो। अगर आपको ऐसा नाम लिखना है तो इस पे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके ऐसी नेम रख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, बैक जाना है और बैक जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, थ्री लाइंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अदर नेम्स के नीचे, आपको जिस पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर घुमा रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो नेम आप प्रोफाइल नेम पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो नाम आप प्रोफाइल नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे प्रिंस जी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं प्रिंस जी लिख लूँ तो यहाँ पर आपको एक नीचे बॉक्स मिल जाएगा शो एट द टॉप ऑफ प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पर ये लिख चुका हूँ और इस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है, शो एट द टॉप ऑफ प्रोफाइल को फिल कर देना है। यहाँ से बैक जाना है, बैक जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको प्रोफाइल को ओपन कर देना है। सॉरी गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं ये डार्क मोड ऑफ करूँ ताकि आपको वाइट में नज़र आ जाए, ठीक है। तो गाइस ये ऑफ हो चुका है, अब हम बैक जाते हैं और यहाँ पे अपने अकाउंट के प्रोफाइल पर जाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करना है आपने, रिफ़्रेश करने के बाद गाइस ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरा यहाँ पर देख सकते हैं निकनेम ऐड हो चुका है प्रिंसी, और यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट लूँगा क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाले हैं। और यहाँ पे थ्री लाइंस पे आपने दोबारा क्लिक कर देना है और सेटिंग्स पे आ जाना है और पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है और नेम के सामने एडिट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लर्न मोर, तो आज इस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर घुमा रहा हूँ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल आउट दिस फॉर्म, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा और इस फॉर्म पे आपने वो नाम लिख रहे हैं जिस तरह आपने निकनेम लिखे है, तो जिस तरह मैंने निकनेम लिखे है वैसे ही आपने एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी लिख देने हैं। तो मैं प्रिंस जी दोनों लिख चुका हूँ और यहाँ पे आपको चूज़ा रीज़न फॉर चेंज, तो यहाँ पर आपने क्या कर देने हैं कि आपने एडिंग निकनेम वाला चूज़ कर देना और यहाँ पर सेंड क्लिक करना है, ठीक है। सेंड करने के बाद दोबारा आपके पास यही इंटरफेस आएगा, दूसरा फॉर्म आएगा, इसको भी आपने फिल कर देना है और सेम पैटर्न अप्लाई करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे चूज़ा और रीज़न, तो यहाँ पे जो है एडिंग निकनेम और यहाँ पर आपको ईमेल देना है जो भी आपके मोबाइल में हो, चाहे बस जो मोबाइल में एक्टिव हो चाहे कोई भी ईमेल हो, तो आपने ये ईमेल दे देना है। ईमेल देने के बाद मैं यहाँ पे सॉरी गाइस यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ एक, तो गाइस यहाँ पे ईमेल देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक सेंड का ऑप्शन है तो आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक कर चुका हूँ, लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, ठीक है गाइस। तो हम वेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग फेसबुक, तो यहाँ पे आपके पास थैंक्स आ जाएगा और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल हटा देना है और दोबारा आपने फेसबुक लाइट को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद थ्री लाइंस पे फिर से क्लिक कर देने और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सपोर्टिव इनबॉक्स, ठीक है। तो आपने सपोर्टिव इनबॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं यू रिक्वेस्ट टू चेंज यूर नेम, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है आदर्स के नीचे जो लिखा है और यहाँ पे आपने सिंपल ये लिख देना है प्लीज़ अपडेट माय नेम थैंक्स फेसबुक टीम, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपने एग्जैक्ट सेम लिख देना है, ठीक है। तो मैं ये लिख चुका हूँ और यहाँ पे आपको नीचे एक अटैचमेंट देना पड़ेगा जो स्क्रीनशॉट हमने पहले लिया था ये वाला, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर सेंड कर देना है, एक बार सेंड करने के बाद आपको दोबारा से जो है इसको दोबारा से आपने रिप्लाई कर देना है और रिप्लाई में दोबारा आपने वही लिखना है जो पहले आपने लिखना है प्लीज़ अपडेट माई नेम थैंक्स फेसबुक टीम, एंड यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लगाना है जो हमने कैप्चर किया था वीडियो के स्टार्ट में। तो ये देने के बाद हम यहाँ पे रिप्लेस सेंड कर चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या सीन होते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है जस्ट नो में आपकी
जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाइस आपको मोस्टली 15 मिनट टाइम दिया जाता है, 15 और 20। तो यहाँ पे मैं ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अगर होता है तो जश्नों में देख लेते हैं, अगर जश्नों में नहीं होता तो मैं 15 मिनट वेट करूँगा और उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो गैस यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, अभी 11:30 हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम यहाँ से बंद करते हैं, दोबारा जो है वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर चुका हूँ, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 11:47 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 17 मिनट गुजर चुके हैं। और यहाँ पे आपको एक बार रिफ़्रेश करने के बाद आपके सामने रिज़ल्ट आ चुका है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।